फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इन इजी वे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस। तो हाउस और होम में क्या डिफरेंस है, इस चीज को हम आज समझेंगे। हाउस एंड होम, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम सर्च करें गूगल पे इनका मीनिंग, तो हाउस का मतलब आता है मकान और होम का मतलब होता है घर। ये जो हाउस है ये बात करता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस की, जो कि एक हाउस का स्ट्रक्चर होता है। ये बात करता है एक घर के फिजिकल अपीयरेंस और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की बात करता है ये। और जो होम है ये वो मतलब हाउस एक होम तब बनता है जब उसमें रहने वाले चार कुछ लोग हो, फैमिली मेंबर्स हो। तो अ हाउस विद लिविंग फैमिली मेंबर्स नोन एज होम। इसमें ज्यादा मेल डोमिनेंट होता है, मींस के एक फिजिकल अपेयरेंस या एक घर का स्ट्रक्चर ढांचा तैयार करने में एक जो मैन है उसका रोल रहता है ज्यादा। और ये जो हाउस है उसको होम में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, एक बॉन्ड होता है फैमिली मेंबर्स में, तो इसमें वुमेन डोमिनेट रहती है। यस, वुमेन डोमिनेट रहती है। और एक ये भी है कि जब एक हाउस में, क्योंकि हम बोलते हैं ना जैसे नानी हाउस दादी हाउस, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब एक घर में एक हाउस में एक से ज्यादा फैमिली हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितनी भी हो, एक से ज्यादा फैमिली हो, तो हम उसे भी हाउस ही बोलते हैं, होम ना बोल के। मोर देन वन फैमिली। और इसमें क्या है, ओनली वन फैमिली, क्योंकि नानी घर में भी एक तो नाना नानी, नाना नानी एक फैमिली ये होगी, एक कुछ ब्रदर होगा, उसकी वाइफ होगी, उसके बच्चे होंगे, तो दो फैमिली हो गई। तो यहाँ पर हम नानी हाउस और दादी हाउस का यूज करते हैं। सेम इसी तरह से दादा दादी, आगे उनके बच्चे, चिल्ड्रन विद देयर फैमिली। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी इनका डिफरेंस कि हाउस और होम में डिफरेंस क्या है। तो अभी तक हमने देखा द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हाउस एंड होम। तो लिखते टाइम या बोलते टाइम हमें कहाँ पर हाउस का यूज करना है, कहाँ पर होम का यूज करना है, अब हम वो चीज देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते वक्त जब हमारे माइंड में एक इमेज हो घर के फिजिकल स्ट्रक्चर की, जब हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर हम हाउस का यूज करेंगे। और जब हम अपने माइंड में घर के फिजिकल स्ट्रक्चर को ना सोच के घर के फैमिली मेंबर्स के बारे में या अपना रूम के अंदर का एनवायरनमेंट या घर के अंदर का एनवायरनमेंट को, उस चीज को इमेजिनेट करें, तो वहां पर हम होम का यूज करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि हमने घर को पेंट कराया या घर की मरम्मत कराई, रिपेयर कराया घर को, तो वहां पर हम एक फिजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे माइंड में होता है, वहां पर हमने हाउस का यूज करना है और अदरवाइज हमने होम का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I
purchased a new house. मतलब मैंने एक नया घर खरीदा है, अभी मैंने रहना शुरू नहीं किया वहां पर, तो अभी तक वहां पर वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है मेरे माइंड में, तो वहां पर हमने हाउस लगाया. और जब हम काम खत्म करके घर जाते हैं या कहीं से भी सिटी से भी अगर कहीं से भी हम घर जाते हैं, तो वहां पर हमारे दिमाग में फिजिकल स्ट्रक्चर ना होके हमारा घर के फैमिली मेंबर्स या घर के अंदर का एनवायरमेंट जो होता है उसको इमेजिनेट करते हैं. वहां पर हम लगाएंगे आई एम गोइंग होम, तो वहां पर हम होम लगाएंगे. अब इसमें भी एक कंफ्यूजन रहता है ज्यादातर, जैसे यहाँ पर कई बार क्या लगा देते हैं हम लोग आई एम गोइंग टू होम, टू का बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कई बार हम लगा देते हैं, कई बार हम सोचते लगाए नहीं लगाए, तो यहाँ पर टू नहीं लगेगा. हाँ, तो वहां पर हम टू का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज जो होम है वो ज्यादातर एडवर्ब का रोल प्ले करता है. यहाँ पर एज एन एडवर्ब होता है, या तो ये सेंटेंस में एज एन एडवर्ब होता है या फिर ये नाउन होता है. जब भी ये एडवर्ब फॉर्म में हो तो फिर हमें कोई भी प्रेपोजिशन यहाँ पे सॉरी यहाँ पर हम टू का यूज नहीं करेंगे, राइट. पर जब ये नाउन फॉर्म में हो तब वहां पे हम इसको टू का यूज कर सकते हैं. अब ये नाउन फॉर्म में कब होता है, जब होम से पहले कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव लग जाए. फॉर एग्जाम्पल पोजेसिव यहाँ पे जगह आई एम गोइंग माय होम, तो यहाँ पर ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया इसमें, तो हम अब यहाँ पर टू लगाएंगे क्योंकि अब ये जो होम है यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है. दैट्स व्हाई नाउ हियर वी विल यूज टू प्रपोजिशन. ठीक है, इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल you should go home. अब यहां पर ये जो home है as an adverb है, right? तो यहां पर कोई भी preposition नहीं लगेगी. और अगर मैं यहां पर एक possessive adjective यहां पर जो लगा दूं, जैसे my home या your home, my home. फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर वो मैं कह रही हूँ किसी को इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप मेरे घर चले जाओ. हो सकता है कि मतलब वो लोकेशन के पास मेरा घर हो तो मैं उनको अपने घर जाने के लिए बोलूंगी फॉर रेस्ट करने के लिए. तो अब ये पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ बन गया ये होम नाउन. ठीक है, यू गो माई होम, तो यहाँ पर अब हमें एक प्रपोजिशन की जरूरत पड़ेगी टू. तो इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू शुड गो टू माई होम, अब यहाँ पर टू लगेगा. और अगर मैं माई हटा दू तो फिर यहाँ पर टू नहीं लगेगा. तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. And मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.